गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जल्द से जल्द यात्रा खुले, यही पहली प्राथमिकता है। इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे केंद्रीय वित्त मंत्री से केदारनाथ आपदा में जो लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है उनकी किश्तों को कुछ महीनों के लिए टालने की भी अपील करेंगे। रुद्रप्रयाग ज़िले में जहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्र है उन सबका दौरा करके आया हूँ। वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अतिवृष्टि हुई है और कुछ स्थानों पर जो मार्ग है वो अवरुद्ध है। एक बहुत बड़ा जो मार्ग का हिस्सा है वो भी बह गया है। अभी जो जिस प्रकार से वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वय सबके बीच में है। जो मार्ग बंद है, जो मार्ग बह गए हैं, उन पे किसी तरह से दोबारा से सुचारू करने के लिए, उनके मरम्मत करके फिर चालू करने के लिए किया जा रहा है, वो भी उस पे काम शुरू करेंगे। इस बारे में जो केंद्रीय हमारा रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट विभाग है उसमें भी समस्त लोगों से बातचीत हो रही है।